हाय गाइस, तो आज मैंने एक वीडियो टॉपिक पे बनाने के लिए सोचा है जो बहुत सारे लोगों को बेनिफिशियल रहेगा कि हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन इन अब्रॉड। जब आप पहली बार अब्रॉड जाते हो, वो चाहे कोई भी कंट्री हो, कनाडा, यूएस, यूरोप में कोई भी कंट्री हो, तो आप पढ़ने जाते हो, काम करने जाते हो, तो आपको पहले से अकोमोडेशन चाहिए होता है। तो आप वहाँ जाकर तो नहीं ढूंढ सकते कि कैसे मिलेगा अकोमोडेशन, तो पहले से आपको अकोमोडेशन अरेंज करके रहना होता है। तो किसी किसी कंट्री के तो वीज़ा के प्रोसेस में भी अकोमोडेशन का प्रूफ दिखाना रहता है, और किसी किसी में होटल का प्रूफ चल जाता है। लेकिन इन एनी केस, अगर आप होटल में भी रहते हो, तो आपको कुछ देर बाद तो एक परमानेंट अकोमोडेशन में जाना पड़ेगा। तो जो लोग बहुत बार बाहर नहीं गए, या फिर जिन्होंने सेटलमेंट बाहर नहीं किया, तो उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि वो, अगर आप उस कंट्री में किसी को जानते नहीं हो, तो आप वहाँ अकोमोडेशन कैसे ढूंढो अगर आपके वहाँ जान पहचान का कोई भी नहीं है। तो यूजुअली लोग बहुत ज़्यादा पे कर देते हैं, उतना पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको पता नहीं होता अकोमोडेशन के बारे में। तो अब्रॉड में अकोमोडेशन ढूंढने के, अपनी कंट्री में, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, कहीं से भी बैठ के ढूंढने के सबसे आसान तरीके हैं, पहले तो तीन। सबसे पहला तरीका है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है जो, लेकिन अच्छा होता है, कि प्रॉपर्टी लेटिंग एजेंसी से आप बात कर लो। तो अगर आप गूगल में जाके लिखोगे कि प्रॉपर्टी लेटिंग एजेंसी इन दैट कंट्री, तो अगर आप लिखोगे प्रॉपर्टी लेटिंग एजेंसी इन, आपने लिख दिया ऑस्ट्रेलिया, या फिर प्रॉपर्टी लेटिंग एजेंसी इन आयरलैंड या माल्टा, आपने कुछ भी लिख दिया, तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो कि ऑफिशियल लेटिंग एजेंसी होंगी। तो वो एजेंट्स होंगे जो आपको घर आपके मुताबिक ढूंढ के दे देंगे, अगर वेदर आपको शेयर्ड अकोमोडेशन में रहना है, पूरा अपार्टमेंट लेना है, आपको कितना पे करना है उसके हिसाब से, और वो यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट बना के आपको दे देते हैं। तो वो वीज़ा के लिए भी चल जाता है, और वैसे भी वो मतलब उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। लेकिन यूजुअली होता क्या है कि वो वाले जो लेटिंग एजेंसीज होते हैं, उनका अपना कमीशन फिक्स्ड होता है। तो मान लो कि 600 यूरो का घर था, तो उसमें वो लोग कम से कम 18 या 20% वो लोग अपना कमीशन बना लेंगे, कभी कभी तो 50% भी बना लेते हैं। तो वो फर्स्ट टाइम के रेंट में आपसे 50% ले लेंगे, तो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो पहले मंथ के लिए आपको करीब करीब 1200 यूरो, 1300 यूरो, ये सब पड़ जाता है। उसके ऊपर से वो टैक्स भी चार्ज करते हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो महंगी हो जाती हैं। तो एक शेयर्ड रूम के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, और अगर आपका बजट में अगर आप चलना चाहते हो, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है ऑलरेडी जमा, ये सोच करके मैं बाहर जाने ही वाला हूँ, तो ये बहुत सिंपल तरीका है, बहुत जल्दी हो जाता है। जो दूसरा तरीका है, वो है कि हर कंट्री में लोग जो गए होते हैं, वहाँ पर उन्होंने फेसबुक ग्रुप बना लिए होते हैं। तो फेसबुक ग्रुप बना लिए होते हैं, तो अगर आप ऐसे सर्च करोगे कि मान लो कि आप किसी कंट्री जा रहे हो जहाँ किसी को नहीं जानते, तो मान लो न्यूजीलैंड जा रहे हो, तो आप वहाँ पे गूगल, फेसबुक में जाओ, लॉग इन करो, और वहाँ पे सर्च में जाके लिखो प्रॉपर्टी लेट और फिर न्यूजीलैंड, या फिर प्रॉपर्टी लेट और वो जो एरिया का नाम है जहाँ पर रह रहे हो। तो अगर आप जहाँ भी रह रहे हो वो एरिया का नाम लिख दो, तो वैसे आपको बहुत सारे ग्रुप दिख जाएंगे फेसबुक के ग्रुप। तो फेसबुक के ग्रुप यूजुअली किसी एक इंसान ने बनाए होते हैं, और उसमें लोग अपने ओनर जो होते हैं वो पोस्ट करते रहते हैं। तो ओनर ने पोस्ट कर देते हैं कि मेरे घर में ये कमरा खाली है, तो आप वहां जाके ले लो। तो आप डायरेक्टली वहां पे ग्रुप में ज्वाइन करके ओनर से आप सीधा आप घर का एड्रेस और घर का मतलब जितना भी डिटेल है, कितना पैसा लगेगा, और कॉन्ट्रैक्ट बना के दोगे कि नहीं, पहले कितना डिपॉजिट देना, ये सब कुछ पता चल जाता है। फेसबुक ग्रुप से एक चीज है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फेसबुक ग्रुप में जब तक वो अप्रूवल मिल रहा है, या फिर फेसबुक ग्रुप उस कंट्री में नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। और फेसबुक ग्रुप्स में यूजुअली बहुत सारे लोग जो होते हैं, वो ऑलरेडी एक एक प्रॉपर्टी की जब डालते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं, तो कभी कभी वो मिल नहीं पाता। स्पेसिफिकली अगर आप दूसरी कंट्री में है, तो आप कॉल भी नहीं कर पाते ओनर को। तीसरा, सबसे आसान तरीका, जो सबसे चीपेस्ट और सबसे ज्यादा यूज तरीका है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, और वो पहले दो तरीके पे ज्यादा चले जाते हैं, तो तीसरा और सबसे आसान तरीका है, जहाँ पे आपको इतनी सारी प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिल जाएंगी आपके बजट के हिसाब से, वो है फेसबुक मार्केट प्लेस। तो जिन लोगों को नहीं पता, उनको मैं बता देता हूँ, फेसबुक मार्केट प्लेस हम लोग जब इंडिया में या कहीं होते हैं, तो इतना यूज नहीं करते, क्योंकि हम लोग को इतना प्रॉब्लम नहीं होता, वहाँ पर एजेंसीज वगैरह सस्ते होते हैं, पर यूरोप में एजेंसीज बहुत महंगे होते हैं, तो वो प्रेफर नहीं करते लोग। तो अगर आप फेसबुक मार्केट प्लेस के अंदर जाओगे, और वहां पर लोकेशन के हिसाब से फिल्टर लगा के प्रॉपर्टी रेंटल्स पे जाओगे, तो आपको इतने सारे आपको ओपनिंग, इतने सारे आपको प्रॉपर्टी लेटिंग्स दिख जाएंगे, इतने सारे कि आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। और वहां पे डायरेक्टली जिस ओनर ने वो पोस्ट किया है, उससे आप कनेक्ट करके उसे सारी बातें कर सकते हो। तो इससे आपके कम से कम 50% ऑफ द कॉस्ट बच जाता है फर्स्ट टाइम रिलोकेट करने के लिए, वरना एजेंसीज
बहुत ज्यादा चार्ज करती है। तो मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ, बहुत छोटा वीडियो है ये लेकिन इन्फॉर्मेटिव रहेगा। मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ जिसमें अगर आप कोई भी कंट्री में जा रहे हो वहाँ पे आप फेसबुक मार्केट प्लेस से कैसे प्रॉपर्टी देख सकते हो। तो आई होप मेरा स्क्रीन सबको दिखेगा अभी। तो यहाँ पे हम आ गए, तो हम फेसबुक पे चले जाते हैं। फेसबुक में जाने के बाद ये आइकन दिख रहा है आपको, ये मार्केट प्लेस का आइकन है। तो आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे देखो आपको हर चीज़ होती है, कार्स, ज्वेलरी, बेड, सब कुछ। तो आपको ऐसे सर्च नहीं करना, आपको यहाँ जाना है, यहाँ पर आपको जाके फिल्टर्स में, यहाँ पे जो दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये यहाँ पे आपको कंट्री और जगह सेलेक्ट करनी है। तो मान लो कि अब यहाँ टोरंटो पड़ा हुआ था, तो मान लेते हैं हम लोग कोई और जगह ले लेते हैं, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया कर लेते हैं। तो सिडनी में यहाँ पे मान लीजिए हमें जगह ढूंढनी है, और रेडियस सेट कर देते हैं कि आपको उस सिडनी के कितने दूर तक के घर आपको देखेंगे। तो 10 किलोमीटर हमने कर दिया और हम वो कर देते हैं अप्लाई। तो यहाँ पर कार और ये सब कुछ आ गया है, लेकिन हमें ये नहीं सर्च करना, हमें सर्च करना है कि प्रॉपर्टी का क्या है। तो यहाँ पर एक सेक्शन है प्रॉपर्टी रेंटल्स, अगर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में, यहाँ व्हीकल्स, प्रॉपर्टी रेंटल्स। प्रॉपर्टी रेंटल्स में आप चले जाओ, यहाँ पे मिन प्राइस मैक्स प्राइस से भी आप सेटअप कर सकते हो, रेंटल टाइप, बाथरूम्स कितने होने चाहिए, किस टाइप का रूम चाहिए। तो यूजुअली अगर आपको हाउस चाहिए पूरा पूरा अपार्टमेंट चाहिए, रूम चाहिए, तो मान लो आपको रूम चाहिए, स्टार्टिंग में आपके पास कम है बजट, तो आप रूम पे आपने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे प्रॉपर्टी रेंटल्स हैं, और आप किसी एक पे भी क्लिक करोगे अगर, तो वहाँ पे जाके आप सीधा यहाँ पर जिनने भी ये पोस्ट किया है आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो और बात कर सकते हो। तो अगर आप देखो तो इतने सारे हैं। उसी तरह आपको मान लो कि आगे चल के कार चाहिए, तो कार के लिए भी आप यहाँ पे व्हीकल्स पे चले जाओ और यहाँ पे आप व्हीकल्स डायरेक्टली ले सकते हो। तो इसमें बेस्ट बात यह है कि यहाँ पर जो भी पोस्टिंग होती है वो सीधा ओनर्स के थ्रू होती है। कभी कभी एजेंट्स भी डाल देते हैं, पर वो फिर बता देते हैं कि वो एजेंट नहीं है, तो आप उनको स्किप कर सकते हो। तो ओनर से डायरेक्टली आप बात कर सकते हो, अपना पैसा बचा सकते हो, और ये वैलिड है हर एक कंट्री के लिए, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे कोई भी, यूरोप में तो बहुत ज़्यादा चलता है। तो ये बेस्ट तरीका है, चीपेस्ट तरीका है। अगर आप स्टूडेंट जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास फंड्स कम है, आप पैसा बचाने की कोशिश करोगे, तो ये बेस्ट तरीका है अकोमोडेशन फाइंड करने का। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और वीडियोज के लिए आप मेरा चैनल देखते रहें, और नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको इम्पोर्टेंट लगा कि नहीं, आपके लिए कभी यूजफुल रहा है या नहीं। और मेरे से कनेक्ट करना हो और कोई गाइडेंस अब्रॉड जाने के लिए चाहिए हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक्डइन आईडी दे रखा है, तो आप वहां जाके मेरे से कनेक्ट कर सकते हो और बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ पे बनाऊँ अब्रॉड जाने की सीरीज। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।